हेलो स्टूडेंट्स, एम्स डिजिटल क्लासेस की तरफ से चलने वाली सीरीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन की सेकेंड पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अनुभव तिवारी, आज आप सभी लोगों को जो टर्म बताना है वो है कंसिस्टेंसी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर अप कर लिया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बाद सेकेंड है हमारा कंसिस्टेंसी। अब हम लोग आते हैं इसी के ऊपर, कंसिस्टेंसी क्या होगा, कैसे करेंगे, कब यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको लेके स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं। तो मैंने बोर्ड पर मिड में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको सबसे पहले यूज़ किया है कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत कब पड़ती है और कब नहीं। तो बेटा कंसिस्टेंसी के लिए आपको देखना है कि हम अप्लाई कब करते हैं, और जब कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है तो कंडीशन उसके सामने दो तरह से होती हैं। नंबर वन, आपके सामने प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव मेथड्स की और सिंगल मेथड्स की। किसी भी वैल्यूएशन के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं अगर वो सिंगल हैं तब तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि ईयर टू ईयर आप सेम मेथड ही फॉलो करेंगे। सर सेम ईयर का क्या मतलब? सेम ईयर का मतलब कि 2018 और 19 अगर है, या फिर सेकेंड ईयर उसके बाद 1920 है, 2021 है, 2122 है, तो आपने जो मेथड इस फर्स्ट ईयर पे अडॉप्ट कर लिया वही सेम मेथड सेकेंड ईयर में, वही सेम मेथड थर्ड ईयर में, वही सेम मेथड फोर्थ ईयर में, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि सिंगल मेथड है, तो कंसिस्टेंसी तो ऑलरेडी अपने आप फॉलो हो रही है, वहाँ पर इस प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होती। तो सर फिर प्रॉब्लम कब होती है कंसिस्टेंसी जानने की? उसकी कंडीशन क्लियर कट है जब अल्टरनेटिव मेथड्स आपके पास होते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड्स में भी कंडीशन ध्यान देने वाली है कि जब इक्वल एक्सेप्टेबल हो, मतलब इक्वल एक्सेप्टेंस हो कि हम मेथड ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हम किसको चूज़ करें, और जिसको फिर चूज़ करें उसको ईयर वाइज करें कैसे। तो देखिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है इन द केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की हेल्प ले रहे हैं समझाने के लिए, तो क्या सर करंट एसेट्स नहीं समझाएंगे? बेटा उससे भी समझा देते हैं, थोड़ा फिक्स्ड एसेट्स की तरफ से ध्यान दे लीजिए। तो फिक्स्ड एसेट्स में जैसे हमारे पास है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वैल्यूएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास हैं SLM, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, सर SLM मतलब स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, इसके बाद अदर्स। अदर्स इसलिए मैंने यूज़ किया कि यहाँ पर जब आप यूज़ करते हैं तो क्या तरीका हो सकता है, जैसे एनविटी मेथड है, उसके बाद में प्रोविज़न मेथड भी यूज़ होता है, मगर आप कभी समझेंगे ही नहीं, आप तो SLM मेथड भी नहीं जान रहे हैं, WDV भी नहीं जान रहे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम मेथड लेंगे फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो SLM मेथड हमारे पास है, WDV मेथड है, और इस तरह अदर्स मेथड होते हैं। सपोज करिए कि आपने चूज़ कर लिया SLM मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही आपको ईयर टू ईयर ही फॉलो करना होगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। सर ऐसा हम लोग करेंगे किस लिए? उसकी बेटा वजह बता रहे हैं। इसी तरह से पहले अब आप समझ लीजिए करंट एसेट्स के लिए, तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मोस्टली जैसे टर्म यूज होता है मीन्स स्टॉक, तो करंट एसेट्स के लिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आप वैल्यूट कर रहे हो, टोटलिंग कर रहे हो, इन सब के लिए मेथड आप लीफो फीफो हीफो, सर ये लीफो फीफो हीफो क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, आपको इससे मतलब नहीं है, बस आप ये समझिए कि हम मेथड्स को इस तरह कहीं पर यूज़ कर रहे हैं। चलिए फुल फॉर्म बता देता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स लीफो, हीफो मीन्स हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इन सबको जैसे यूज़ किया जाता है। तो सपोज करिए कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में वो है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ध्यान दीजिएगा मैंने बोला एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेसर, तो जो मार्केट प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है इन दोनों पर हाईलाइट किया है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस इन दोनों में से जो भी होगा हम उसी को ही यूज़ करेंगे। लेसर की तरफ ध्यान दीजिएगा, सर ये थोड़ा लेसर वाली बात समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा समझिए इस बात को। सपोज करिए कि 2018 और 19 में आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई, तो आप किसको चूज़ करोगे, मार्केट प्राइस को? सर क्या मतलब?
सपोज करिए कॉस्ट प्राइस जो स्टॉक की है वो 10,000 है और मार्केट प्राइस जो है वो स्टॉक की 8,000 है, तो इस कंडीशन में अपनी रिकॉर्डिंग में हम यूज करेंगे 8,000 को। फिर हम आते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में अब की बार कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है और मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है। मार्केट प्राइस सपोज करिए हो जाता है 12,000, तो हम किसको चूज करेंगे? कॉस्ट प्राइस को करेंगे। फिर थर्ड ईयर में हम आते हैं और थर्ड ईयर में फिर उल्टा हो जाता है, मार्केट प्राइस लेस हो जाती है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में इस बात को ध्यान देना होता है कि दोनों में से कम कौन सा है। अगर मार्केट प्राइस कम हो रहा है तो हम मार्केट प्राइस चूज कर लेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस कम हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस को चूज कर लेंगे। सर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, फ्लैक्चुएशन नहीं है, एक बार हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं एक तरफ हम कॉस्ट प्राइस की तरफ जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी कहाँ रही? यस, इसीलिए मैंने यहाँ देखिए रखा हुआ है लिख करके इनकंसिस्टेंसी अप्लाई। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें इनकंसिस्टेंसी अप्लाई हो रही है, मगर ध्यान दीजिए ये इनकंसिस्टेंसी ओवरऑल नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेथड है उस मेथड में कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, तो हम कॉस्ट भी चूज कर सकते हैं और मार्केट प्राइस को भी हम चूज कर सकते हैं जो लेसर फॉर्म पर है। तो मेथड तो एक ही है, बस उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी तो है, कंसिस्टेंसी मेथड के लिए होती है और हम मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में मेथड हमें फॉलो करना है। आपको अगर इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो इनकंसिस्टेंसी मेथड के अंदर है। अच्छा सर इतना समझ में आ गया कि जो मेथड है उसको हम फॉलो करते हैं, तो अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं तो वाई हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो क्या खाली मेथड ही होता है या कुछ और भी इसमें हो सकता है? इसको समझाने के लिए ही मैंने यहां पर लिखा है कि वाई प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड प्रैक्टिस विल यूज्ड। तो अब इस जगह देखिए यही जो है सेम शुड बी यूज इन ईयर वे। तो जब ईयर वाइज हम बात करेंगे तो ईयर वाइज हर समय सेम ही ये यूज होना चाहिए फॉर द डिफरेंट पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड मीन्स ईयर वाइज। सर ईयर वाइज और डिफरेंट पीरियड का क्या मतलब? ये मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ईयर दे रखा है 2018, 19, 20, 21, 22, तो ये बेटा हमारे पास ईयर्स है। तो जब हमारा डिफरेंट पीरियड होता है तब हमें प्रिंसिपल्स मेथड्स और प्रैक्टिस को फॉलो करना होता है। सर वाई क्यों कर रहे हैं? ध्यान दीजिए यही मेन क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग। ये ध्यान देना है फॉर प्रिपेयरिंग। सर क्या प्रिपेयर करना होता है? ये भी ध्यान दीजिए हमें प्रिपेयर करना होता है इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट। सर ये इनकम स्टेटमेंट पे हम क्या लेते हैं? इनकम स्टेटमेंट में हम लोग ये लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, इन सबको लेते हैं। इसके बाद इसमें हम प्रिपेयर करते हैं क्या? प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पज है कि हम इस प्रिपरेशन में फाइंड करते हैं प्रॉफिट। सर बिजनेस में तो लॉस भी होता है, यस, मगर बिजनेस हम पॉजिटिव वे से बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने एक मेथड को फॉलो किया। सेम थिंग पोजीशन स्टेटमेंट। फिर सर क्या है पोजीशन स्टेटमेंट? बेटा बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट इसलिए बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उनका वैल्यूएशन एक जैसा हो। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करता है, क्योंकि जब हमने इनिशियल लेवल पे सपोज करिए एसएलएम मेथड जैसे यहाँ पर यूज किया था या WDV हम यूज कर रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे अगर 1 लाख है तो हर बार डेप्रिसिएशन उसी के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते चले जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है सेम मेथड को फॉलो करना फॉर डिफरेंट पीरियड्स। सर ठीक है, मगर हम डिफरेंट पीरियड के लिए हम क्यों करते हैं? ऐसा क्या करने की जरूरत है? वाई? तो बेटा ये इसलिए कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। कैसे? 1, 2, 3, 4 ईयर है और हम फोर्थ ईयर पर आके मान लीजिए स्टैंड कर रहे हैं, और अब हम जानना चाहते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए या मैनेजमेंट जानना चाहता है कि प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसका रेट इंक्रीज होने का क्या था, या फिर करंट पोजीशन में हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर जिससे कि प्रोड्यूस करे उसको कंपेयर करना हो तब हम कंसिस्टेंसी को ही फॉलो करते हैं, और इसकी वजह से एग्जैक्ट ट्रू पिक्चर सामने आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सर इसका मतलब हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, सेम बिजनेस में कंपेयर कर रहे हैं 1, 2, 3 जो प्रीवियस ईयर है उनको, तो इसलिए वर्टिकल एनालिसिस के लिए ही हम कंसिस्टेंसी यूज करते हैं।
100% आप नहीं सही हैं, हॉरिजॉन्टल भी यही यूज होता है। सर कैसे हॉरिजॉन्टल हो सकता है? अगर बेटा सेम इंडस्ट्री है और सेम इंडस्ट्री ने सेम मेथड ईयर टू ईयर फॉलो किए हैं, तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री पता करने के लिए भी हम कंपैरिजन में इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज हैं सेम लेवल पे, उन लोगों में कंसिस्टेंसी रही और उन लोगों ने इसको फाइनली यूज करा। तो ये मैंने आपको अभी जो बताए, दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? बेनिफिट्स। क्योंकि कंसिस्टेंसी है तो ये बेनिफिट्स हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो बेटा ये डिमेरिट्स हो जाएंगे, हमको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यही कंसिस्टेंसी का पार्ट है। अच्छा सर ठीक, हमने अडॉप्ट कर लिया। अगर हमने अडॉप्ट कर लिया और हम सेम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या अब लॉन्ग लाइफ हमें सेम मेथड फॉलो करना है? हम इसको चेंज नहीं कर सकते? कर सकते। इसीलिए सेंटर में मैंने आपके मन में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा, आफ्टर चूजन व्हाट, क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो इस जगह क्वेश्चन है, यस वी कैन चेंज, मगर उसकी कंडीशन है हम चेंज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर क्या जरूरत है, एक बार तो हमने बड़ी मुश्किल से इनके बीच में चूज करके मेथड लिया और बाद में अगर हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने की फिर क्या जरूरत? नहीं, इनको हम चेंज करते हैं उसकी कंडीशन भी आपको यहाँ समझनी होगी। फ्लेक्सिबल एंड इम्प्रूव्ड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल यूज्ड। तो ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग का जो फ्लेक्सिबल नेचर है उसको अडॉप्ट करने के लिए, इम्प्रूव्ड टेक्निक यूज करने के लिए, कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट पोर्शन में हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सब लोगों को ट्रू एंड फेयर पिक्चर आप मिले, इस वजह से हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। मगर चेंज करने का जो बेसिक 3 पॉइंट्स हैं वो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लिखा है, ब्रिंग्स बुक ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं उनको आपको इक्वल टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना है। सर क्या मतलब? इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, और आप अपने यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हो तो उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होता है। एज एग्जांपल मैं AS3 की बात करता हूँ। AS3 में जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 ने प्रिस्क्राइब किया है, डायरेक्ट मैथड और इनडायरेक्ट मैथड, उसके थ्रू हम प्रिपेयर करेंगे। सर ये तो कुछ नहीं समझ में आया, AS3 एंड कैश फ्लो क्या कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आप इतना समझो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने इशू किया है उसके पैरेलल अपनी बुक्स को लाने के लिए, सपोज करिए कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर है और आपकी बुक्स में वैल्यूएशन है वो इस जगह पर चल रहा है, तो हम अपनी बुक्स को उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इक्वल लाने के लिए अपनी प्रैक्टिसेस को, मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। सर अब आ गया समझ में, मगर अब इस बात को समझिए, क्या थोड़ा और बता सकते हैं सर आप? यस, समझिए कि आप अभी तक फॉलो कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए, तो अब आपके पास जो बैलेंस किया गया वो WDV मेथड है, तो WDV मेथड को स्टैंडर्ड ने अगर कह दिया तो अब आपको स्विच ओवर करना है SLM मेथड से WDV पर। तो SLM मेथड से आप WDV मेथड पर आएंगे तो इस जगह चेंजेस आपको अलाउ है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से आप चेंज कर रहे हैं। देन सेकेंड हमारे पास है कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ लॉ। तो बेटा कोई अगर लॉ में प्रोविजन ऐसा कर दिया गया कि जिसकी वजह से आपको चेंज करना जरूरी है, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ वाली क्या बात है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने समझा कि ICAI ने बनाया, अब यहाँ पर हम लॉ की बात करते हैं। सपोज करिए इनकम टैक्स एक्ट है, मैंने लिखा IT Act 1961, तो इसमें एसेट्स की वैल्यूएशन के बारे में कहा गया है, तो एसेट्स की वैल्यूएशन को हमें फॉलो करना होता है। अब सपोज करिए कि इनकम टैक्स एक्ट के रूल में कुछ ऐसा रूल कर दिया गया कि अब हमको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना नहीं है, WDV करना है, तो इस कंडीशन में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें WDV के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो यहाँ पर चेंजेस अलाउ है कि आप कंसिस्टेंसी में से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। देन अब हम आते हैं इसमें चेंज सरकमटेंसेस। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि सरकमटेंसेस ही चेंज हो गए, अगर सरकमटेंसेस चेंज हैं और उन सरकमटेंसेस की वजह से ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो ध्यान देना है आपको, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तब आपको अलाउ है कि चेंज सरकमटेंसेस की वजह से आप चेंजेस कर सके। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स थोड़े से ध्यान देने होते हैं, फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, सेकेंड आप देखेंगे कंप्लायंस ऑफ लॉ उसके कंपैरिजन में, या फिर सरकमटेंसेस चेंज हो गए हैं इनके वजह से हम
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को थ्रू वह कर रहे होते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल वेज हैं कि हम बदल सकते हैं। और ये ध्यान देना है कि फ्लेक्सिबल और इम्प्रूव्ड टेक्निक को उस पर हम बात करेंगे। सो अब हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन के ऊपर थर्ड पॉइंट बचता है, जो कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, अक्रूअल। तो बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए करके आता हूँ अक्रूअल एग्जम्पशन के ऊपर, और अक्रूअल एग्जम्पशन प्रिंसिपल की तरह यूज होता है, तो आपको हेल्प मिलेगी इनको समझने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को इतनी देर देखा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।